हेलो फ्रेंड्स, खुशी रेसिपी में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैंने मेजरिंग कप से एक कप पालक ली है और वजन में ये 200 ग्राम के समथिंग है। तो पालक को मैंने कट करके वॉश कर लिया है। पालक को हमें बारीक बारीक कट करना है। अब इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर। एक कच्चे आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है, आलू भी डाल देंगे। तो आलू के लच्छे भी इसमें ही डाल देंगे। दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे, आधा नींबू का रस डालेंगे। नींबू के रस की जगह पर आप दही का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप नींबू के रस की जगह चाट मसाला डालना चाहते हैं तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो नींबू का रस भी मैंने डाल दिया है, इससे बहुत ही चटपटा टेस्ट आएगा। अब हम सभी चीजों को मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम कवर करके 10 मिनट तक छोड़ देंगे। मैंने ये एक केक टिन लिया है, इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का केक टिन नहीं है तो आप कोई भी गहरी प्लेट ले सकते हैं, उस पर आप इस नाश्ते को तैयार कर सकते हैं। तो मैंने इसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है। केक टिन को हम साइड में रख देंगे। बैटर को रखे हुए अभी 10 मिनट हो गए हैं। सब्जी में हमने नमक डाला था तो नमक की वजह से सब्जियों ने काफी पानी छोड़ दिया है। तो अब इसमें हम आधा कप बेसन डालेंगे, साथ ही में 1/4 कप चावल का आटा डालेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप सूजी का भी यूज कर सकते हैं। तो इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हमें पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि सब्जियों ने भी ढेर सारा पानी छोड़ा है। तो बस इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो इस तरह से मैंने बैटर रेडी कर लिया है। अब इसे हम केक टिन में डालेंगे। इसे अच्छे से फ्लैट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने बैटर को अच्छे से टिन में सेट कर लिया है। गैस पर मैंने कढ़ाई में पानी डालकर गर्म होने के लिए रखा था तो पानी भी गर्म हो गया है। अब इसमें हम एक स्टैंड रख देंगे और जो केक टिन में हमने बैटर डाला है उसे हम कढ़ाई के अंदर रख देते हैं। अब इसे हम कवर कर देंगे और कवर करके इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ेंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं, हम ढक्कन हटा लेते हैं और गैस बंद कर देंगे और टिन को बाहर निकाल लेते हैं। तो टिन को मैंने बाहर निकाल लिया है, अब इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। तो इस नाश्ते को मैंने ठंडा कर लिया है। आप देख सकते हैं इसने किनारे छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। चाकू की हेल्प से हम इसे और अच्छे से अलग कर लेंगे। अब इसके हम पीसेस कट कर लेंगे। आप अपने मनचाहे शेप में इसे कट कर सकते हैं। तो मैं इसे ट्रायंगल शेप में कट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसे किस तरह से कट किया है। अब एक पीस मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये पीस निकल कर तैयार हो गया है। सारे पीसेस हम निकाल लेंगे। तो सारे पीसेस मैंने एक प्लेट में निकाल लिए हैं। आप चाहें तो इन्हें इस तरह से भी खा सकते हैं क्योंकि ये स्टीम हो चुका है तो ये कच्चा बिल्कुल नहीं लगेगा, लेकिन इन्हें हम सेलो फ्राई करेंगे। अब हम चलते हैं गैस की ओर।
तेल को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल भी गर्म हो गया है। तो हम नाश्ते के पीसेस को उठाकर तेल में रखेंगे। इस तरह से जब हम नाश्ते को सेलो फ्राई करके रेडी करेंगे तो इसमें जो क्रिस्पीपन आएगा वो और भी टेस्टी लगेगा। तो इसे हम सेलो फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से। 3 से 4 मिनट तक मैंने इस नाश्ते को एक साइड से सेलो फ्राई कर लिया है। तो सारे नाश्ते को हम पलट लेंगे। तो आप देख सकते हैं जो नाश्ते के पीसेस हैं वो दूसरी साइड से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं सारे पीसेस गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आलू और पालक से बना गर्मा गर्म ये नाश्ता तैयार हो गया है। इसे आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में छोटी सी जो बेल आइकन होती है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो मिलते हैं एक नई मजेदार टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।